आज बात करने वाले हैं शनिदेव की। शनिदेव इस समय अपने चरम पर हैं, नेगेटिव स्थिति में। यानी कि शनिदेव से संबंधित जितने लोग हैं या जिनकी कुंडली में शनि कारक है, ऐसे लोगों को शनिदेव से संबंधित लाभ अभी नहीं मिल रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि देरी से मिल रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी राशि की जो आने वाले समय में होने वाली है मालामाल, या हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक जो इस राशि से संबंध रखते होंगे आने वाले समय में खुलने वाली है उनकी किस्मत, या हम ऐसे कह सकते हैं कि व्यापार और नौकरी में मिलने वाली है उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और लाभ, सफलता के बारे में मैं बात करने वाला हूं। कौन सी ऐसी राशि है? वो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि की जब हम बात करते हैं तो ऐसे जातक दोहरी पर्सनालिटी के स्वामी भी होते हैं, क्योंकि बुध स्वामी होते हैं इनके। जब हम बात करते हैं मिथुन राशि की तो जॉली नेचर के लोग होते हैं। बात करते हैं जब मिथुन राशि की तो ऐसे लोग व्यवहारिक होते हैं और मित्र ज्यादा बनाना पसंद करते हैं। ऐसी राशि पर शनिदेव की ढैया चल रही है और वो ढैया आ गई है अब अपने अंतिम चरण में। अंतिम चरण मतलब 17 जनवरी 2023 जैसे ही आएगा शनि की ढैया मिथुन राशि से समाप्त हो जाएगी और शनिदेव की कृपा उनको मिलने लगेगी। यानी कि एक ऐसा योग बन रहा है जो मिथुन राशि पर आने वाले समय में पॉजिटिव यानी कि एक सकारात्मक प्रभाव होते हुए देखने को मिलेगा। जितने लोग इस राशि से संबंध रखते हैं, मिथुन राशि से संबंध रखते हैं, ऐसे जातक आने वाले समय में संतान, व्यापार, धन या परिवार से संबंधित समस्याएं कोई भी हैं तो वो समाप्त होने वाली हैं, और या मैं ऐसे कह सकता हूं कि उनको शनिदेव अपनी कृपा छप्पड़ फाड़ कर दे सकते हैं। जो 2.5 वर्ष में उन्होंने इतनी परेशानियां झेली हैं, पिछला 2.5 वर्ष अगर वो देखेंगे तो उनको उतने लाभ नहीं मिले जितने लाभ उन्होंने मिलने चाहिए थे, या आप ये कह सकते हैं कि इतनी सफलताएं उनको नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, या दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो उनको वो सफलताएं समय पर नहीं मिली यानी कि देरी से मिली। तो वो धन की समस्या हो सकती है, वो परिवार की समस्या हो सकती है, वो व्यापार की समस्या हो सकती है, वो हेल्थ की समस्या हो सकती है। तो मिथुन राशि वाले जातक 17 जनवरी 2023 के बाद मालामाल यानी कि अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में जब हम वो बात करने वाले हैं तो ये समय एक गोल्डन पीरियड की तरह आने वाला है, और कुछ समय के लिए उनको ऐसा लगेगा कि शायद उनके पास कोई कष्ट था ही नहीं। तो शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। मिथुन राशि वाले अब इस समय पर खुशियां मनाना शुरू करिए। 17 जनवरी 2023 शनिदेव की ढैया समाप्त होगी और उसके बाद आपके जीवन में आ रही समस्याएं, आपके जीवन में आ रही रुकावटें दूर होने लगेंगी और बहुत स्मूथली और समय पर आपको वो चीजें मिलने लगेंगी जो आप हकदार थे उन चीजों को लेने के लिए, और शनि की ढैया की वजह से वो चीजें आपको देरी से या समय पर नहीं मिल पा रही थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो शनिदेव आपके ऊपर छप्पड़ फाड़ सकते हैं और धन की वर्षा कर सकते हैं, व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं, आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दे सकते हैं, या नौकरी नहीं लग रही है तो आपको निश्चित रूप से अच्छी एक नौकरी दिलवाएंगे। राधे राधे।